नमस्कार, मैं दुर्गा जसराज आप सभी का इस कार्यक्रम में दोबारा स्वागत करती। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे इस प्रोग्राम के जरिए संगीत की मशहूर हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे हम संगीत की चर्चा करते हैं। संगीत एक विस्तृत विषय है, उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। संगीत अनंत है, इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम संगीत की जानकारी संगीत के गुरुओं, कलाकारों, संगीतकारों के जरिए से लें। तो लीजिए, आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं प्रसिद्ध, बेहद मशहूर, ब्रेथलेस और हिंदुस्तानी। एनी मोर गेसेस? नो, आई एम श्योर यू गॉट इट। शंकर महादेवन। Hi, Dora. How are you? How are you? Thanks for coming. Thank you so much. Shankar ji, आपकी कामयाबी देख के वाकई बहुत खुशी हुई. Thank you very much. आपके जो संगीत का शिक्षण है, वो किसके पास हुआ? और ये basically मैंने training ली है कर्नाटक क्लासिकल संगीत में. I have first started with वीणा. एंड देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन वोकल्स. फिर वोकल मैं सीखने लगा जब मैं करीब 7 साल का था. स्टार्टेड परफॉर्मिंग एट अराउंड 10 ईयर्स, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड. बस तो माय बेसिक ग्राउंडिंग इज इन कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक. मेरे गुरु है मिसेस टी आर बालामणि. आपने कर्नाटक संगीत सीखा और उसके बाद आपने गज़ल इतने सारे गाए हैं, भजन गाते हैं, आप मराठी में गाते हैं, आप उर्दू में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं. How do you fluctuate from one form of music to another? You know, Durga, it's actually it's very simple. जैसे आपका जो संगीत का ग्रामर हो, that is your foundation is very strong in Carnatic classical music. It is just application. It is just different styles. वैसे देखा जाए तो सिर्फ 12 नोट है और ताल कितने हो सकते हैं? जो भी संगीत मैंने सुना है, I tried to exploit that to the maximum. अभी जब मैं पहली बार मैंने गुलाम अली खान साहब की गजल जब मैंने सुना तो I was absolutely shocked कि ये क्या है. और मेरे में वो सीखने का एक I'm a very inquisitive nature कि ये सीखना ही चाहिए. और मैं ये सबसे difficult गजल मुझे आना ही चाहिए. That sort of a challenge I have within myself. एक मुझे आपसे पूछना था कि आपके इतने various अलग अलग रूप है संगीत को ही लेके, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप गाते भी हैं तो 4-5 अलग अलग forms में गाते हैं, फिर आप compose भी करते हैं. Which is the most satisfying, musically satisfying thing for you? See, मैंने अपना career as a computer engineer छोड़ा only for music. तो एनीथिंग टू डू विद म्यूजिक. सी, अभी समझो कल में मुझे एक 30 सेकंड का जिंगल बनाना है तो वो भी एकदम सेटिस्फाइंग है. या तो एक बड़ी फिल्म के लिए म्यूजिक स्कोर, ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी फिल्म है यार, बहुत एक्साइटेड हूँ एकदम, ऐसा नहीं है. म्यूजिक इज म्यूजिक, जस्ट कीप ऑन डूइंग, सो एवरीथिंग इज सो सेटिस्फाइंग, यू नो. शंकर, आप यहाँ हैं, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ही बेताब है आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए. इट्स योर टर्न, आप लोग अगर इनसे कुछ पूछना चाहें तो. शंकर जी, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं. इनफैक्ट हमें आपके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं. पर ये जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूज़िक के बीच का जो फ़र्क है वो हमें समझ में नहीं आता. आप सरल भाषा में हमें वो फ़र्क समझा पाएंगे ताकि हमारी ऑडियंस भी जान सके? मैं जानता था आप लोग ज़रूर ये सवाल करेंगे, इसके लिए मैंने अपने म्यूजिशियंस को मैंने लाया हुआ है यहाँ पर. प्लीज वेलकम मिस्टर विजय नटेशन, रवि अनंत रामन. विजय नटेशन ऑन द मृदंगम, रवि ऑन द वायलिन, अलाप देसाई ऑन द तबला और अनंत जोशी ऑन द हारमोनियम. प्लीज गिव देम अ बिग हैंड. देखिए, सरल भाषा में बोला जाए तो फर्स्टली मैं ये कहूँगा कि दुर्गा, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट. आज इज द ओनली कंट्री जहाँ पर दो टाइप ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है ना, तो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हिंदुस्तानी और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को कर्नाटक. हिंदुस्तानी म्यूजिक में नोट्स लॉन्ग ड्रॉन, लंबे लंबे होते हैं. हर एक सुर में ज़्यादा वक्त ठहरते हैं हम लोग. जैसे कि समझो 3 नोट्स हम ले लें, गामा पा ध नि सा,
अब यही नोट्स अगर हम साउथ इंडियन स्टाइल में गाएं तो ग म ब द नी स नी द ब म नो रे. तो इट्स बेसिकली मोर ऑफ घमक, मोर ऑफ ऑसिलेशन बिटवीन द नोट्स. जैसे आलाप करते वक्त हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम ज्यादातर आकार लेते हैं, जैसे आ और जब कर्नाटिक संगीत में जैसे शब्द लाइक तन दे रे ना तन ददरी और और हाँ अकंपनीमेंट में हिंदुस्तानी म्यूजिक में तबला और हारमोनियम, सारंगी, सितार ये सब होता है. और साउथ इंडियन स्टाइल में मृदंगम, वायलिन, गढ़म, गंजीरा, तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं. शंकर जी, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जो बंदिशें हैं उनमें भी फ़र्क होता है क्या? फ़र्क तो होता ही है. जैसे हिंदुस्तानी में बंदिश हिंदी में या ब्रज भाषा में या तो संस्कृत में है, और साउथ इंडियन संगीत में यानी कर्नाटक संगीत में इट्स इन तेलुगु और संस्कृत और तमिल, कन्नड़ा. अच्छा. और हिंदुस्तानी के बंदिश जैसे आप जानते हैं काफ़ी साइज में छोटे होते हैं, जैसे सिर्फ मुखड़ा और अंतरा, और इसमें कीर्तन कैन बी पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, दे कैन बी क्वाइट लेंथी एंड मोस्ट स्ट्रेस इज गिवन ऑन लिरिक्स इन साउथ इंडियन क्लासिकल. अभी जसराज जी का एक कॉम्पोजिशन लीजिए, वो तुम बिन कैसे कटे कटे हाँ तुम बिन कैसे कटे कटे हाँ कट दिन रतिया कट दिन रतिया तुम बिन कैसे करे. और जैसे कर्नाटक में सिद्धि विनायक अरुलपुरी बाय प्रसिद्ध गणनायक गजानन दीदि विनायक अरुलपुरी बाय प्रसिद्ध गणनायक गजानन दीदि विनायक. शंकर जी, हमें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या यही चीज़ हमें आप फिल्म सॉन्ग्स के जरिए बता सकते हैं? एक मैंने गाया था वो बंदिश आपने देखा ही है, वो फिल्म हम दिल दे चुके सनम, तो आपने देखा होगा. तो उसमें एक बंदिश है आहिर भैरव में अलबेला सजन. तो अगर समझिए हम हिंदुस्तानी स्टाइल में वो गाते हैं अलबेला सजन आयोरी अलबेला सजन आयोरी मोरा आत्मन सुख पायोरी अलबेला सजन आयोरी. अभी इसका एक साउथ इंडियन इक्विवेलेंट अगर ले लें, एक कीर्तन है त्यागराजर ने बनाया हुआ कीर्तन निरनौमिति निवेगति निरनौमिति निवेगति निरनौमिति
क्लासिकल म्यूजिक बहुत शांत संगीत लगता है कि आराम से शुरू होता है, बल्कि उसके मुकाबले जब कर्नाटक संगीत सुनने जाते हैं तो बहुत चंचल है, मतलब बहुत रिदमिक और हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शांत शुरू तो होता है शांत, लेकिन एंड शांत में नहीं होता है। इट रीचेस क्वाइट, उसका ग्राफ होता है कि यहाँ शुरू हुआ और एकदम लय, एकदम बढ़ा के वो एक क्लाइमैक्स जैसे बोलते हैं वैसा है। वेयर एज इन कर्नाटक इट्स मोर और लेस एक मध्य लय से शुरू होता है, फिर उसका डबल होता है। अच्छा। जैसे कि तारक ब्रह्म स्वरूपिणी, तारक ब्रह्म स्वरूपिणी, तो ऐसा होता है, लेकिन फिर वो एंड में चल के देखा पता नहीं था ऐसे एंड होता है, लेकिन जैसे कर्नाटक म्यूजिक लें तो एक मध्य लय से शुरू होता है वो। कोई और राग ले लें हम लोग, शंभो महादेव, शंभो महादेव, शंभो महादेव, शंकर गिरिजा रमण, शंभो शंभो महादेव, पद नि 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 शंभो महादेव। इट्स मोर रिदमिक और इस तरीके से गाते हैं हम लोग। शंकर जी, आप एक ही किसी फ्रेज को बोथ हिंदुस्तानी और कर्नाटक में गा के बताइए ना प्लीज। बाप रे,
कोशिश करता हूँ, जैसे एक कोई भी फ्रेज ले लीजिए, जानकी रमणा दशरथ नंदना राम के ऊपर, जानकी रमणा हरे दशरथ नंदना हरे, जानकी देगा मा बदाने दे जरे जरे गे गम पद भग दग रे राम वाकई कोई अल्फाज नहीं है, मैं तो यही कहूँगी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। शंकर, आप यहाँ आए, वाकई मैं जानती हूँ कि आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन आपने इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, बहुत मज़ा आया।